गाजियाबाद संभागीय परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन के यातायात माह का आज समापन हुआ। इस दौरान वाहन रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा, आरटीओ अरुण कुमार और एडीएम प्रशासन रितु सुहास ने मंच से यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलवाई। इस यातायात महाअभियान में अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनी शिखा सहलोत, पर्वतारोही रितु जांगिड़ भी पहुंची। और गाजियाबाद से अलीम बारसी की रिपोर्ट। की बात है सोनी जी, आवृत्ति अग्रवाल के बाद आज बड़े हर्ष का विषय है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प और उनके आदेशों के क्रम में पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा एक माह का सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। 5 जनवरी 2023 से 4 फरवरी को आज हमारा समापन है। इसमें हमने सड़क सुरक्षा के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का जगह जगह पर विभिन्न कार्यक्रम, जो कि पूरे गाजियाबाद जनपद की बात करें तो हमारे 80 से अधिक कार्यक्रम किए गए हैं। देखिए, पूरे एक महीने का एक सड़क जागरूकता अभियान चलाया गया था। आज इसका औपचारिक समापन था, जिसमें स्कूटी और महिलाओं की स्कूटी बाइक रैली निकाली गई थी, उसी का समापन था। लोगों को जागरूक करने के लिए और खुद भी जागरूक हों, लोगों को भी जागरूक हों, यातायात नियमों का पालन करें। सर, बाइक रैली में, कम से कम 200 से भी ज़्यादा यहाँ पर दुपहिया वाहन थे। जी जी, करीब 50 से भी ज़्यादा ऐसे वाहन दिखाई दिए। नहीं, 50 नहीं थे, कुछ वाहन थे, उसको चूँकि प्राइवेट लोग थे, चूँकि यहाँ मौका नहीं था उनको कुछ कहने का समझाने के लिए, लेकिन उसको भी हम लोग इंश्योर कराएंगे।